सॉल्व कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। विच आर एग्जाम्पल्स ऑफ बुक कीपिंग? बुक कीपिंग क्या होती है भाई? बुक कीपर का काम होता है बुक्स के अंदर डेटा को रिकॉर्ड करना। तो एक एक करके बात करते हैं भाई, कौन से एग्जाम्पल्स है बुक कीपिंग के। एंट्रिंग डिटेल्स ऑफ अ चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर इन द कैश बुक। तो ये बात सही लग रही है भाई, ये बुक कीपर का ही काम लग रहा है। डिटेल्स ऑफ चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, छोटे मोटे काम सारे कौन करेगा सर? बुक कीपर करेगा। एंट्रिंग डिटेल्स ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट इन परचेज जर्नल, ये भी बात सही लग रही है कि परचेज जर्नल रिकॉर्ड करना, ये भी बुक कीपर का काम लग रहा है। प्रोड्यूसिंग एन इनकम स्टेटमेंट टू कैलकुलेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। अच्छा, अब ये इनकम स्टेटमेंट बनाना है, ये थोड़ा बड़ा काम है, ये कौन करेगा? ये अकाउंटेंट करेगा, ये बुक कीपिंग का काम नहीं, अकाउंटिंग का काम। और क्या हो सकता है भाई? रिकॉर्डिंग डिटेल्स ऑफ क्रेडिट सेल, हाँ रिकॉर्ड करना सारा काम, ये किसका काम है भाई? ये आपका बुक कीपर का काम है। तो 1, 2 एंड 4 जो है वो बी आंसर लग रहा है इसका, 1, 2 एंड 4 सही है जी। कह रहा है हाउ डज अ ट्रेडर यूज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो इंफॉर्मेशन मिलती है उससे क्या काम किया जा सकता है? टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैश ड्रॉइंग टेकन, टू कैलकुलेट द अमाउंट दैट इज ओड बाय ट्रेड रिसीवेबल, टू चेक द बैलेंस शोन द बैंक स्टेटमेंट, टू कंपेयर द बिजनेस परफॉर्मेंस ओवर नंबर ऑफ इयर्स। तो यार ये बेहतर लग रहा है कंपैरिजन, क्योंकि देखो बाकी काम के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी नहीं है। अगर आपको ड्रॉइंग देखनी है तो आप कैश बुक बना लो, उससे ड्रॉइंग आ जाएगी, सही है जी। और अगर आपको ट्रेड रिसीवेबल देखना है तो आप SLCA बना लो, उससे ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा डेटर अकाउंट। और बैंक को कंपेयर करना है तो BRS कर लो, बैंक रिकंसिलेशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बना रहे हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए बना रहे हैं ताकि हम देख सकें बिजनेस की परफॉर्मेंस ओवर द इयर्स इंप्रूव हो रही है या वर्सन हो रही है, सही है जी। बात आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट में देखें क्या कह रहा है। नेक्स्ट में ये कह रहा है हमारे पास, बस और पीछे कर देते हैं जी। क्या कह रहे हैं सर? वो कह रहा है अ ट्रेडर बॉट न्यू फिक्स्चर, फर्नीचर खरीदा है, सही है सर। कह रहा है ही पेड हाफ ऑफ द परचेज प्राइस इन कैश एंड अग्रीड टू पे द बैलेंस इन 2 मंथ्स टाइम, सही है। फर्नीचर खरीदा है, आधा उसी वक्त दे दिया पैसे और आधे कह रहा है बाकी 2 महीनों में दूंगा बैलेंस। हाउ डज द परचेज अफेक्ट द अकाउंटिंग इक्वेशन? अब सवाल ही आता है, हम जो हमने फिक्स्चर खरीदे उससे एसेट बढ़ेगा या कम होगा? ओवरऑल एसेट बढ़ेगा। कैसे? जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ना, एग्जांपल ये जैसे मैंने फिक्स्चर लिए और अगर मैं अज्यूम करूँ फॉर एग्जाम्पल 1 लाख के फिक्स्चर है तो फिक्स्चर डेबिट हो जाएगा। कह रहा है हाफ जो है वो कैश पे कर दिया, इसका मतलब 1 लाख का 50 अभी पे कर दिया और अग्रीड टू पे बैलेंस इन 2 मंथ्स टाइम, तो ये पेबल बन जाएगा हमारा, सही है ना, पेबल्स में आ जाएगा। इसका मतलब ये पैसे 2 महीने में देना, ये करंट लाइबिलिटी है 50,000, सही है जी। तो आप देखो एक एसेट बढ़ रहा है फिक्स्चर 1 लाख से और एक काम हो रहा है 50,000 से, तो ओवरऑल अगर आप देखो फिक्स्चर बढ़ रहा है तो ओवरऑल एसेट इंक्रीज हो जाएगा। तो सी और डी में से आंसर होना चाहिए सर, बिल्कुल। आगे बात करते हैं सर, ओनर्स इक्विटी और लाइबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो भाई ओनर्स इक्विटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? ओनर्स इक्विटी कब इफेक्ट होगी? जब घर से पैसे आएंगे। अब यहाँ पे कोई घर से तो पैसे नहीं आ रहे, ये तो हम बिजनेस के पैसे से और उधार पे फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो इससे कैपिटल का कोई इफेक्ट नहीं होगा। लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्यों? क्योंकि हमने 2 महीने में जो पैसे देने, लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आंसर क्या बन गया सर? आंसर बन गया सी, सही है जी। बात आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट में क्या कह रहा है भाई? नेक्स्ट में देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है सर, क्वेश्चन नंबर 4 अभी चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है वो, हाँ सॉरी, ये होगा ना नो इफेक्ट, सही है। तो डी आंसर है, ये हमने गलत लिख दिया, डी आंसर, ये सही है आपने कह रहा है, ये वाला डी आंसर, क्योंकि इसमें नो इफेक्ट होगा और बाकी तो सब सेम। अच्छा, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है ऑन 2nd अप्रैल नीना रिसीव अ चेक फ्रॉम जफर अ क्रेडिट कस्टमर। नीना को चेक रिसीव हुआ है कहाँ से सर? जफर से। कह रहा है ऑन 12th अप्रैल द चेक वॉज रिटर्न अनपेड बाय द बैंक। क्या कह रहा है भाई? 12 अप्रैल को चेक जो है वो अनपेड है, मतलब ये डिसऑनर हो गया। क्या हो गया? डिसऑनर। हमें क्या एंट्री बनानी है भाई? देखो जब चेक मिला नीना को तो नीना ने एंट्री बनाई होगी बैंक डेबिट और जफर क्रेडिट, और जब वो चेक डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। अब जिस बैंक को डेबिट किया था भाई, अब उसको क्रेडिट कर देंगे, जिस जफर को क्रेडिट कर दिया था उसको दोबारा क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, सही। तो ये बैड डेट नहीं है। बैड डेट कब होता है? जब कस्टमर कह दे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दूंगा। अभी कस्टमर बोल नहीं रहा मैं पैसे नहीं दूंगा, अगर किसी वजह से गलती की वजह से भी चेक बाउंस हो सकता है तो वो फिर क्या करेंगे? हम उसको रिवर्स कर देंगे। 4 के बाद भाई 5 पे बात करते हैं, कोई बात ना सर मैं तो पूछे। कह रहा है एन इज अ ट्रेडर, सही है, ऑन 1st अप्रैल, ये बहुत ज्यादा है सवाल, काफी दफा रिपीट हुआ। ऑन 1st अप्रैल सिंडीज अकाउंट इन एन्स लेजर। अब देखो भाई लेजर किसका है? लेजर है एन का। अगर एन का लेजर है बेटा तो हम कौन है? हम एन है। और
सिंडी का अकाउंट हमारे लेजर में क्या शो कर रहा है सर? ये शो कर रहा है क्रेडिट बैलेंस। सही है, अब आपको बता रहे हैं कौन सी बात सही है। विच स्टेटमेंट अबाउट द बैलेंस ऑन सिंडीज अकाउंट इन एन्स लेजर। अगेन भाई, अगर लेजर एन का है तो हम एन है। सिंडी का अकाउंट पहले शो कर रहा था क्रेडिट बैलेंस, इसका मतलब सिंडी हमारे लिए लाइबिलिटी है, हमने सिंडी को पैसे देने हैं, हम एन है। आगे कह रहे हैं हम एन है, हमने रिटर्न कर दी गुड्स कितने की, 30 की। मेरे भाई अगर हम गुड्स रिटर्न कर देंगे तो 520 में से 30 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जब माल वापस कर। एन बॉट गुड्स, हमने माल खरीदा 210 का एंड पेड इन कैश। यार अगर हम कैश उसी वक्त दे देते हैं तो हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं, अगर हम कैश उसी वक्त दे देते हैं तो हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं, तो हम क्या करेंगे भाई, ये 210 को इग्नोर करेंगे। अब बचा कितना, 520 माइनस 30, 490 बच गया। सही है सर। अब सवाल ये आता है, 490 के दो ऑप्शन है, एक ए है और एक है सी। तो अब सवाल ये आता है, हम एन है, हम ओ कर रहे हैं सिंडी को या सिंडी हमें ओ कर रही है? हम एन है भाई, हम ओ कर रहे हैं, सही है ना। तो क्योंकि भाई हम बाय कर रहे हैं, हम रिटर्न कर रहे हैं, तो हम ओ कर रहे हैं, तो आंसर बना ए, सही है ना। एन हमें, हम ओ कर रहे हैं सिंडी को कितना, 490। ये बहुत कॉमन है क्वेश्चन, कह रहे हैं गुड्स बॉर्डर क्रेडिट बाई टोमेलो फ्रॉम टीबोगो, वह कैसे कैसे नाम है और बोगो है ना, बाय वन गेट वन फ्री, आर रिटर्न बिफोर दे आर पेड फॉर। टोमेलो कीप्स फुल डबल एंट्री सिस्टम, वेयर विल टोमेलो रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ गुड्स। क्या कह रहे हैं भाई, जब रिटर्न करेंगे गुड्स तो कहाँ का रिकॉर्ड होगा? अब वेयर विल टोमेलो रिकॉर्ड द रिटर्न, अब हम टोमेलो हैं, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट बाय टोमेलो फ्रॉम टोबेगो, सही है। तो भाई हम टोमेलो है, हम माल खरीद रहे हैं टेबोगो से, और जब हम गुड्स रिटर्न कर देंगे तो ये कहलाएगा रिटर्न आउटवर्ड। क्या एंट्री बनाएंगे सर? एंट्री बनाएंगे रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट, और जो सप्लायर है टी बोगो का अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ऐसा। तो यार देखो, ये जो रिटर्न आउटवर्ड का अकाउंट होगा ये कहाँ पे होगा, ये होगा जनरल लेजर, और जो टी बोगो है इसका अकाउंट कहाँ पर होगा सर, ये होगा परचेज लेजर में। तो आंसर आएगा सी, ये दोनों जगहों पे आएगा, जनरल लेजर में भी आएगा और परचेज। जनरल लेजर में किसके अकाउंट्स होते हैं सर? सेल, परचेज, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ये सारे होते हैं, SLC, APLC, ये भी होते हैं। और परचेज लेजर में इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं सारे सप्लायर्स के, जितने भी सप्लायर हैं सबके अलग अलग। अच्छा जी, बात आगे बढ़ाते हैं, इसके बाद क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या कह रहा है सर? डेव सप्लाइज गुड्स टू पीटर ऑन क्रेडिट। सही है भाई, डेव क्या कर रहे हैं, पीटर को गुड्स सप्लाई कर रहे हैं क्रेडिट पे। कह रहे हैं 1st अप्रैल पीटर और डेव 440, सही, ये भी पुराना सवाल है। कह रहे हैं व्हाट वाज द क्लोजिंग बैलेंस ऑन स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑन 30th अप्रैल, क्लोजिंग बैलेंस बताना। भाई देखो, ओपनिंग बैलेंस जो यहाँ लिखते हैं 440, इनवॉइस जो होती है भाई उससे बैलेंस बढ़ जाता है, चाहे कस्टमर हो चाहे सप्लायर हो, सेल्स इनवॉइस हो या परचेज इनवॉइस हो, इनवॉइस से बैलेंस बढ़ जाता है। चेक जब पे कर देते हैं तो उससे बैलेंस कम हो जाता है, कितना पे किया, 429। और ये जो आफ्टर एंट्रिंग $11 कैश डिस्काउंट है भाई, कैश डिस्काउंट भी रिकॉर्ड होगा, ये भी हम माइनस करें, इसकी क्या लॉजिक है? लॉजिक ये सर, शुरू में हम 440 का बैलेंस था, 429 हमने पे कर दिए, रिसीव कर लिया और 11 का डिस्काउंट हो गया, तो 429 और 11 दोनों को ऐड कर लेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 440 के बराबर। याद रखें कैश डिस्काउंट हमेशा रिकॉर्ड होगा, 429 प्लस 11 क्या बन जाएगा, 440। ऐसे डेबिट और क्रेडिट नोट में से सिर्फ क्रेडिट नोट रिकॉर्ड होगा, डेबिट नोट रिकॉर्ड नहीं होगा, तो ये 50 भी हम माइनस कर देते सर, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 310। तो क्लोजिंग बैलेंस जो आ रहा है सर वो आ रहा है 310, सही। आप चाहे तो इसको टी अकाउंट बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे अगर हम कस्टमर का अकाउंट बनाए तो बैलेंस बीटी आ जाएगा डेबिट साइड पे, जब हम इनवॉइस भेजेंगे, हम सेल्स करेंगे तो उससे डेटर बढ़ जाएगा, और जब पैसे आ जाएंगे बैंक तो उससे डेटर कम हो जाएगा, और जब डिस्काउंट अलाउड होगा तो उससे भी डेटर कम हो जाएगा, और रिटर्न इनवर्ड होगा उससे भी डेटर कम हो जाएगा 50 से। तो जो बच जाएगा सर बैलेंस शीट वो कितना आ जाएगा, 310, ऐसा जो बच जाएगा वो आ जाएगा बैलेंस शीट 310। डन, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया बी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है बिजनेस सोल्ड गुड्स विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ 50 ईच। लिस्ट प्राइस क्या होती है सर? ये वो प्राइस है जो ट्रेड डिस्काउंट से पहले, टर्म्स ऑफ द ट्रेड क्या है सर? ट्रेड डिस्काउंट फॉर मोर देन 20 आइटम्स बॉट 10%। जब भी आप 20 से ज्यादा यूनिट खरीदोगे तो ट्रेड डिस्काउंट होगा 10%। कैश डिस्काउंट कब होगा? इफ कस्टमर पे विद इन 30 डेज, एक महीने के अंदर अंदर अगर पैसे देंगे तो कैश डिस्काउंट भी अप्लाई होगा। हाउ मच वॉज रिसीव इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम द कस्टमर हु बॉट 25 आइटम्स एंड पेड आफ्टर 35 डेज। भाई देखो, अगर उसने 25 आइटम खरीदी तो मोर देन 20 आइटम्स हो गई तो ट्रेड डिस्काउंट तो लगेगा,
लेकिन अगर 35 डेज के बाद पैसे दिए तो विद इन 30 डेज तो पैसे नहीं दे रहा, इसका मतलब क्या है, डिस्काउंट नहीं लगेगा, ऐसा ही है ना। तो भाई अगर आप देख लो, कस्टमर ने अगर खरीदी है 25 आइटम और एक आइटम कितने की है भाई, एक आइटम की वैसे प्राइस है 50 लिस्ट प्राइस, तो 25 आइटम × 50 कर दो, सही कितना आ जाएगा भाई, ये आ गया आपका 10 आइटम्स के 500 हो गए, 20 आइटम के हो गए 1000 और 1250 हो गए, सही। अब 1250 पे अब लगा दो ट्रेड डिस्काउंट, कितना ट्रेड डिस्काउंट लगा दो 10%, 1250 का 10% लगा दो, ये आ गया 125, तो बचा कितना सर, 1250 माइनस 125 ये आ गया हमारा 1125, 1125 जी, 1125 आ रहा है सर, 1125 आंसर बच गया डिस्काउंट माइनस कर, सही है सर 1125। तो ये हो गया भाई, याद रखें ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया हमने और अब इतना रहे। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 पे देखें, पॉल रेंट प्रेमिसेस। अच्छा एक और बात, अगर यहाँ पे वो कहता है कि विद इन 30 डेज, अगर ये 35 के बजाय कहता है 29 डेज में पैसे कट दे दिए, तो इसमें कैश डिस्काउंट भी लगता, फिर हम क्या करते हैं, ये जो 4% लगाते हैं ना, फिर हम ये 1250 पे नहीं लगाते, बल्कि ये हम लगाते कौन से अमाउंट पे, फिर हम ये लगाते 1125। तो याद रखें पहले क्या माइनस होता है, ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद जो बच जाता है उस पर हम लगाते हैं कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट अगर लगाना होता तो फिर हम लगाते 4% कौन से अमाउंट पे सर, 1125 पे 4% लगाते, 1250 पे नहीं लगाते, क्योंकि ये चीज अब कितने की हो चुकी है, 1125, सही इसका ख्याल है। कह रहा है पॉल रेंट प्रेमिसेस फ्रॉम जॉन एंड पेज द रेंट बाय क्रेडिट ट्रांसफर, सही है। कह रहा है हाउ वुड जॉन रिकॉर्ड दिस, पॉल जो है वो रेंट कर रहा है प्रेमिसेस जॉन से, पॉल इसका मतलब पॉल ने जगह ली है जॉन से और जॉन जो है उसको पैसे मिल रहे हैं रेंट, ऐसा ही। तो जॉन के लिए ये रेंट इनकम है, तो जॉन क्या एंट्री बनाएगा, बैंक डेबिट और रेंट रिसीव क्रेडिट, तो इसका आंसर होगा ए, सही। पॉल के लिए ये एक्सपेंस है लेकिन जॉन के लिए इनकम है, जॉन को जो पैसे मिलेंगे जॉन का डायरेक्टली बैंक डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट ट्रांसफर होता है डायरेक्ट बैंक में, सही। तो बैंक डेबिट और रेंट रिसीव या रेंट रिसीवेबल क्रेडिट, ये इनकम का अकाउंट बनेगा सर। सीता डिस्कवर्ड दैट $1000 रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्चर्स हैड बीन एंटर्ड इन सेल्स अकाउंट, भाई देखो जब फिक्चर बेचते हैं तो हम सेल्स को क्रेडिट नहीं करते बल्कि हम डिस्पोजल क्रेडिट करते हैं, लेकिन हमने गलती से किसको क्रेडिट कर दिया, सेल्स को, सेल्स क्रेडिट होती है ना, तो हम सेल्स को क्या कर देंगे सर, डेबिट कर देंगे और डिस्पोजल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इस चीज का ख्याल रखे भाई कि यहाँ डिस्पोजल आएगा, यहाँ पे फिक्चर नहीं आएगा, देखो फिक्चर का भी एक ऑप्शन इससे दिया हुआ है। तो याद रखें जब भी हम नॉन करंट एसेट बेचते हैं तो 4 एंट्रीज बनाते हैं, जो थर्ड वाली एंट्री होती है वो कौन सी वाली होती है, वो डिस्पोजल वाली। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद बात करते हैं सर 11 पे, कह रहे सर टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री एंड 200 वाज डेबिटेड टू अ सस्पेंस अकाउंट, इसका मतलब जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आ रहा है सर वो कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। और आगे क्या कहते हैं सर, आगे कहते हैं ऑन चेकिंग द बुक्स इट वाज फाउंड दैट टू एरर्स हैड बीन मेड, दो एरर हुए, सही। व्हाट वाज द एरर, व्हाट वाज द एरर मेड इन टोटलिंग सेल्स जनरल, सही है। अब हम देखते हैं व्हाट वाज द एरर मेड इन टोटलिंग सेल्स जनरल, पढ़ते हैं। कह रहे अ सेल्स इनवॉइस फॉर 700 हैव बीन रिकॉर्डेड इन द सेल जर्नल एज 770, पहली ये गलती की। दूसरा कह रहा है सेल जर्नल हैज बीन टोटल्ड इनकरेक्टली, दो अलग अलग गलतियां की है कह रहा है, सही है। ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं हो रहा कितने से, 200 से, सही। क्या कह रहे हैं, अ सेल्स इनवॉइस फॉर 700 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द सेल जर्नल एज 770 और सेल जर्नल टोटल हैव बीन करेक्टेड इनकरेक्टली। तो यार पहले अगर हम इसकी एंट्रीज बनाकर देख ले दोनों की क्या एंट्रीज बनेंगी, फिर हम पकड़ते हैं इसको एरर को। आ सेल्स इनवॉइस फॉर 700 बीन रिकॉर्डिंग दिस, भाई देखो 700 का माल बेचा था, आ सेल्स इनवॉइस कितनी 700 की, लेकिन हमने जर्नल में कितना रिकॉर्ड कर दिया बताओ, 770। तो अब ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया हमने सेल्स को, तो अब हम सेल्स को कम करेंगे, क्या एंट्री बनाएंगे, सेल्स डेबिट 70 से और सस्पेंस क्रेडिट कितने से, 70 से, सही है ना। तो एक तो ये मिस्टेक है, अब वो कह रहा है दूसरा हमने सेल जर्नल को टोटल किया है इनकरेक्ट। अच्छा अब देखो टोटल जो इफेक्ट आ रहा है ना वो 200 का इफेक्ट आ रहा है, टोटल इफेक्ट कितने का आ रहा है, 200 का। 200 में से अगर आप देखो 70 का तो ये वाला एरर है, तो बाकी जो एरर बच गया वो कितना बच गया मेरे भाई, वो बच गया 130। नहीं आ रही बात समझ भाई, वो बता रहा है टोटल जो एरर हुआ है 200 का हुआ है, जिसमें से 70 वाला एरर तो ये है ना, 70 वाला तो ये एरर है, तो
भाई ये दोनों एरर का इम्पैक्ट मिला के 200 का आ रहा है। 200 में से अगर पहला वाला एरर है 70 का, तो दूसरा वाला कितना होगा? टोटलिंग एरर होगा 130 का। अब सवाल ये आता है, जो 130 है वो हमने ओवर किया है या अंडर किया है, ये कैसे पता चलेगा ओवर है या अंडर कास्ट? चेक करते भाई, पहली बात है इनका जो ट्रायल बैलेंस है वो डिसएग्री हो रहा है कितने से, 200 से, और जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है सस्पेंस में, ये बता रहा है 200 का आ रहा है डिफरेंस डेबिट साइड पे बता रहा है। तो ट्रायल बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस आ रहा होगा डेबिट, सही है। पहले तो हम अगर ये वाली गलती सही कर दें 70 वाली, तो इससे हमने सस्पेंस को क्या करना है, क्रेडिट करना है, ऐसा ही है ना। अब जब दूसरी एंट्री आएगी हमारी तो 130 वो भी आनी चाहिए क्रेडिट साइड पे, ऐसा क्या एंट्री बनानी चाहिए? सस्पेंस क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स क्या हो जाना चाहिए? डेबिट होना चाहिए। क्या एंट्री बनाएंगे? सस्पेंस क्रेडिट तो सेल्स डेबिट, ये एंट्री बनेगी, सेल्स डेबिट और सस्पेंस क्रेडिट कितने से 130। यार अब आप देखो सेल्स को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। सेल्स को डेबिट क्यों करेंगे? क्योंकि हम सेल्स को कम करना चाह रहे हैं। तो हमने गलती क्या की होगी भाई, हमने सेल्स को ओवरकास्ट कर दिया होगा। अरे बात समझ, अगर हमने सेल्स को बेटा ओवर कर दिया, अब हम सेल्स को कम करने के लिए क्या कर रहे हैं, डेबिट कर, तो थोड़ा मुश्किल सवाल था। देखिए आंसर आ रहा है ए, ओवरकास्ट बाय 130। हमने सेल्स को ज्यादा कर दिया था, हम सेल्स को 130 से कम करेंगे, और यहाँ पे भी हमने सेल्स को बढ़ा दिया, क्यों? 700 के बजाय हमने 770 रिकॉर्ड किया। आती बात समझ? कोई बात ना समझ में आए तो पूछ ले भाई। कह रहा है भाई 12 में इनकम स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस शोड, लेटेस्ट है पेपर 2012 का, 2020 का सॉरी, इनकम स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस शोड लॉस फॉर द ईयर, कितना आ रहा है? 16,000 लॉस आ रहा है। ऑन चेकिंग द बुक्स द फॉलोइंग एरर डिस्कवर्ड, व्हाट वाज द करेक्ट लॉस फॉर द ईयर? हाँ भाई देखें, अगर हम लॉस को अभी छोड़ दें, हम अज्यूम करें ये प्रॉफिट है, सही है ना। अगर अज्यूम करें प्रॉफिट है, हमारे पास ये प्रॉफिट दिया हुआ है, सही है ना, ये जो भी प्रॉफिट दिया हुआ है इसमें हम ये एडजस्टमेंट हमने नहीं की। अब आप देखें पहले प्रॉफिट समझ के फिर करें, आसान हो जाएगा। नो एडजस्टमेंट हैव बीन मेड फॉर इंश्योरेंस प्रीपेड 480, सही है। वो कह रहा है इंश्योरेंस प्रीपेड है जिसको हमने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया। तो यार अब आप एक बात बताओ, जब प्रीपेड होता है इसका मतलब वो इस साल का इंश्योरेंस नहीं है, वो अगले साल का, सही। हमने इसको चार्ज कर दिया इस साल, अरे बात समझ, तो अब हमें इस साल चार्ज नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रीपेड है। तो प्रीपेड आपको पता है ईयर एंड पे एक्सपेंस को कम कर देते हैं, एक्सपेंस कम हो जाएगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो बेसिकली हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है कितने से, 480 से, सही। क्योंकि प्रीपेड का मतलब बेटा ये अगले साल का एक्सपेंस हमने इस साल पे कर दिया, इस साल इसको चार्ज नहीं करना चाहिए। तो चूंकि हमने चार्ज कर दिया है तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया, अब हम प्रॉफिट को दोबारा बढ़ा देंगे। नो एंट्री हैव बीन मेड फॉर बैंक चार्जेस 620, बैंक चार्जेस हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस से हमारा बैंक कम हो जाएगा तो 620 माइनस हो गया। तो एक तो हमें प्लस करना है और एक ही माइनस। अब हमारा जो प्रॉफिट है सर, बेसिकली वो प्रॉफिट नहीं है, हमारे पास जो लॉस आ रहा है, कितना आ रहा है लॉस बताएं? हमारे पास जो लॉस आ रहा है सर, वो आ रहा है सवाल में 16,000 का लॉस आ रहा है, 16,000, सही है। जब हम इसमें करेक्शन कर दें तो क्या हो जाएगा, ये जो लॉस था ये हमारा बेसिकली कम हो जाएगा। क्यों? ये 480 हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है ना, प्रॉफिट को बढ़ाना है मतलब लॉस को कम करना, सही है। तो 480 से हमें लॉस को कम करना है और 620 से लॉस को बढ़ाना है। ओवरऑल अगर आप देख लें 140 से लॉस हमारा बढ़ रहा है, सही है ना। 480 से हमारा लॉस कम हो रहा है और 620 से हमारा लॉस बढ़ रहा है। तो नेट अगर आप देखो, नेट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेट नेगेटिव है कितने से, 140 हमें इसमें और नेगेटिव करना है। तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लॉस कितना रह जाएगा सर, हमारा लॉस रह जाएगा 16, 140 का लॉस रह जाएगा 16, 140। अरे बस भाई देखो, पहले 16,000 का लॉस है, पहली गलती हमने क्या की थी, हमने पिछले नेक्स्ट ईयर का जो इंश्योरेंस है वो भी इस साल चार्ज कर दिया था, जो कि गलत है। जब हम इसको हटा देंगे, अगले साल पे ले जाएंगे, तो हमारा लॉस क्या होगा, कम हो जाएगा। और बैंक चार्ज हमने रिकॉर्ड नहीं किया, अगर हम रिकॉर्ड करेंगे तो हमारा लॉस और बढ़ जाएगा। तो 620 से हमने लॉस को बढ़ाना है, 480 से कम करना, ओवरऑल 140 से बढ़ाना है। 16,000 पहले लॉस था, 140 से बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 16,140, सही है जी। आगे बात बढ़ाते हैं सर, आई होप आपको बात समझ आ रही है। कह रहा है व्हाट वुड रिजल्ट इन अ कैश बुक बैलेंस बीइंग लोअर देन द बैलेंस शोइंग ऑन द बैंक स्टेटमेंट, क्या कह रहे हैं सर, एक बार दोबारा देख लो। हाँ क्या कह रहे हैं, वॉट वुड रिजल्ट इन अ कैश बुक बैलेंस बींग लोअर देन द बैलेंस शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट,
व्हाट वुड रिजल्ट इन अ कैश बुक बैलेंस बीइंग लोअर? कैश बुक का बैलेंस कम आएगा और बैंक का बैलेंस ज्यादा आएगा। ऐसी कौन सी एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से बैंक में बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा और कैश बुक हमारे हिसाब से पैसे कम आ रहे होंगे? एक एक करके देखते हैं। कह रहे अ चेक रिसीव, कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं इस तरह। कह रहे अ चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर वॉज नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बैंक स्टेटमेंट। भाई देखो ना, अगर कस्टमर से चेक रिसीव हो गया है तो हमने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया होगा, सही है? चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर, हमने तो ये चेक रिसीव कर लिया लेकिन ये अभी तक बैंक में क्रेडिट नहीं हुआ। याद है अनक्रेडिटेड लॉजमेंट्स? क्यों क्रेडिट नहीं हुआ भाई? क्योंकि भाई वो क्रेडिट होने में टाइम लगता है। हमारे हिसाब से तो पैसे आ गए लेकिन बैंक के हिसाब से अभी तक पैसे आए नहीं है। तो बेटा ये वाला एरर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर हमारे हिसाब से पैसे आ गए तो कैश बुक का बैलेंस तो हायर हो जाएगा ना। हमें बताना है कैश बुक का बैलेंस लोअर हो, बैंक का बैलेंस हायर हो, तो ये नहीं हो सकता। सेकेंड में क्या कह रहे हैं देखें, सेकेंड में कह रहे हैं कस्टमर्स चेक डिसऑनर्ड बाय द बैंक अपीयर्ड ओनली ऑन द बैंक चेक। क्या कह रहे हैं भाई? कस्टमर का चेक डिसऑनर हो गया, हमें इसके बारे में पता नहीं है। और अच्छा, अगर हमें इसके बारे में पता नहीं है तो हमारे हिसाब से बैंक ज्यादा आ रहा हो, सही है ना? और बैंक के हिसाब से बैंक बैलेंस कम आ रहा होगा। क्यों यार? देखो ना, जैसे हमारे अकाउंट में थे 1 लाख, कस्टमर ने चेक दिया 25,000, हमने अपने बैंक को बढ़ा दिया, बैंक डेबिट कस्टमर क्रेडिट, हमारे हिसाब से हो गया 1,25,000, लेकिन बैंक के हिसाब से वो दोबारा 1 लाख पे आ गया। क्यों? क्योंकि वो चेक क्लियर नहीं हुआ। तो इसमें भी उल्टा हो रहा है कि इसमें कैश बुक के हिसाब से बैलेंस ज्यादा है, बैंक के हिसाब से कम। हमें वो बताना है भाई कि जो हमारे हिसाब से बैलेंस क्या हो, कम हो। पेमेंट बाय अ कस्टमर डायरेक्टली इनटू द बैंक वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये हो सकता है। कैसे? कस्टमर ने डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसे डाल दिए, हमें इसका नहीं पता, तो कैश बुक का बैलेंस कम आ रहा है और बैंक के हिसाब से पैसे ज्यादा आ रहे हैं। ये हो सकता है। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस बाय स्टैंडिंग ऑर्डर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश। अगेन, अगर ये स्टैंडिंग ऑर्डर है, बैंक ने हमारे अकाउंट में से पैसे दे दिए हैं और हमने अभी तक इसको रिकॉर्ड नहीं किया, तो हमारे हिसाब से कैश बुक का बैलेंस ज्यादा आ रहा होगा, बैंक के हिसाब से पैसे चले गए, तो सी आंसर हो। सही है जी, बात समझ में आ रही। क्वेश्चन नंबर 14, थेम्बी इज प्रिपेयरिंग हर सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट SLCA, शी नीड्स टू नो। क्या पता करना है भाई इसको? द टोटल फॉर गुड्स व्हिच हैव बीन रिटर्न बाय क्रेडिट कस्टमर, द अमाउंट ओड बाय क्रेडिट कस्टमर व्हिच हैव बीन रिटर्न ऑफ एज बैड डेट। हमें बताना है कि ये कंट्रोल अकाउंट बनाना है इसको, थेम्बी को, और ये कंट्रोल अकाउंट की ये चीज कहां से मिलेगी बताओ? कस्टमर जब माल हमें वापस करेगा तो वो कौन सी बुक में आता है? वो आता है सेल रिटर्न जर्नल, याद है, रिटर्न इनवर्ड जर्नल। और बेटा जो बैड डेट हो गया, बैड डेट कहां से पता लगेगा हमें? बैड डेट आता है बेटा जनरल जर्नल से, सही है ना? जनरल जर्नल। तो बैड डेट अकाउंट से नहीं पता लगता है, ये हमें जनरल जर्नल से पता लगता है, द जर्नल में हमने एंट्रीज बनाई होती है। तो याद रखो भाई, ये जो कंट्रोल अकाउंट बनाते हैं इसका सारा डेटा कहाँ से आता है? ये आता है डे बुक से। जैसे क्रेडिट सेल कहाँ से आती है? सेल जर्नल से। क्रेडिट परचेज कहाँ से आती है? परचेज जर्नल से। रिटर्न इनवर्ड कहाँ से पता लगेगा? रिटर्न इनवर्ड जर्नल से। और जब हमने माल वापस दिया तो वो रिटर्न आउटवर्ड जर्नल से पता लगेगा। कैश आया कितना या बैंक कितना पैसा आया कस्टमर से, हमने कितना पे किया सप्लायर्स को, ये कैश बुक से पता लगेगा। डिस्काउंट अलाउड कितना है, रिसीव कितना है, ये भी कैश बुक से पता लगेगा। कॉन्ट्रा एंट्रीज है या बैड डेट है, ये कहाँ से पता लगेगा? जनरल जर्नल से। सही है जी। 15 में देखो क्या कह रहा द फॉलोइंग पेमेंट्स वर मेड व्हेन अ न्यू मशीन वाज परचेस्ड। सही है भाई, नई मशीन आपने खरीद ली, अल्लाह मुबारक करे। हाउ मच वाज द कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल कौन सा होता है भाई? जो कभी कभार होता है, बार बार नहीं होता, जिससे एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है। मशीन बाय की ये कैपिटल है। डिलीवरिंग की जो कॉस्ट है, जैसे हम जो है वो मार्केट से लेकर आए सदर से, तो सदर से यहाँ तक लाने वाले सुजुकी वाले ने जो पैसे लिए, जैसे जनरेटर लेकर आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो जो चार्ज है वो भी आपका आ जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस जो है वो कैपिटल नहीं है सर, वो रेवेन्यू होता है, क्योंकि इंश्योरेंस मेंटेन करने के लिए होता है और वो हर साल हमें देना पड़ता है, वो एक दफा का नहीं होता। सही। वेजेस ऑफ एम्प्लॉई इंस्टॉलिंग द मशीन। अच्छा देखो, वैसे तो देखने में लगता है वेजेस जो है वो हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये मशीन को इंस्टॉल करने के लिए हमने वेजेस दिए। बेटा अगर मशीन को इंस्टॉल करने के लिए हम पैसे देंगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि एक ही दफा होगा, बार बार नहीं होगा। तो 32,000 प्लस 1800 ये हो गया 33,800 प्लस 1300 तो ये हो गया 35,100। सी आंसर है 35,000। सही है। तो वो चीज जो कभी कभार होगी वो कैपिटल है, और जिससे एसेट की वैल्यू बढ़ जाए। कह रहा है नॉन करंट एसेट वर डेप्रिशिएटेड द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ ओनरशिप यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड बेस्ड ऑन फॉलोइंग। वो कह रहा है हमने स्ट्रेट लाइन से डेप्रिशिएट किया। सही है, पहले स्ट्रेट लाइन से करके देख लेते। कैसे करेंगे सर? फॉर्मूला होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू
रेजिडुअल वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ, ये फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन का। और एक और फॉर्मूला भी होता है, अगर लाइफ ना दी हुई हो तो फॉर्मूला बन जाता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय रेट परसेंटेज। और सर अगर स्क्रैप वैल्यू ना हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं कॉस्ट डिवाइड बाय लाइफ या कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, यही करते। लेकिन यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू भी दी हुई, तो सर कॉस्ट कितनी है 20,000। स्क्रैप वैल्यू क्या है सर, जो लाइफ है 4 साल, 4 साल के बाद ये मशीन कितने में बिक जाएगी, 4,000 में बिक जाएगी। तो 20 में से 4 माइनस कर दें, 16 बच गए, 16 डिवाइड बाय 4, तो 4,000 पर ईयर आ रही है डेप्रिसिएशन, 4,000 पर एनम। ये किससे आ रही है सर, ये आ रही है स्ट्रेट लाइन से। इट वॉज देन फाउंड दैट रिड्यूसिंग बैलेंस एट 30% शुड हैव बीन यूज्ड। क्या कह रहे भाई, स्ट्रेट लाइन के बजाय क्या यूज करना चाहिए था हमें, हमें यूज करना चाहिए था सर रिड्यूसिंग बैलेंस एट द रेट 30%। सही, अगर हम रिड्यूसिंग बैलेंस करते सर तो हमें बताना है कि कितना आएगा, बहुत आसान है। रिड्यूसिंग बैलेंस में हम पहले साल कॉस्ट पे डायरेक्टली परसेंटेज लगा देते हैं, कितना परसेंट, 30%। सही, तो 20,000 पे हम लगा देते हैं पहले साल 30%, तो ये आ जाएगी 6,000। सही है सर, इसका मतलब व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन द प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑफ करेक्टिंग दिस सर, करेक्ट करके क्या हो भाई, देखो हमने डेप्रिसिएशन किए 4,000 जो कि गलत किए, हमें पहले साल चार्ज करनी चाहिए थी 6,000। आपको पता है स्ट्रेट लाइन पे हर साल हम डेप्रिसिएशन जो लगाते हैं कॉस्ट पे लगाते हैं, बेसिकली कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू पे लगाते हैं, और रिड्यूसिंग में हम डेप्रिसिएशन किस पे लगाते हैं, वो हम लगाते हैं आपका नेट बुक वैल्यू पे। लेकिन पहला साल है, चूंकि कोई अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है पिछले सालों की, तो कॉस्ट को ही हम परसेंटेज से मल्टीप्लाई। तो बेटा हमने डेप्रिसिएशन चार्ज की 4,000, लेकिन करनी चाहिए थी कितनी, 6,000, तो हमने डेप्रिसिएशन कम चार्ज की, अब हम डेप्रिसिएशन मजीद चार्ज करेंगे 2,000। तो बेटा अगर हम डेप्रिसिएशन 2,000 मजीद चार्ज करें एक्सपेंस, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा कितने से, 2,000 से, ऐसा, तो प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा 2,000 से, ए आंसर। सही है, जब हम ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 2,000 की, तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा कितने से, 2,000। कह रहा है एल्जेवियर परचेज अ मोटर व्हीकल कॉस्टिंग 8,000 ऑन 1st जनवरी, डेप्रिशिएटेड 40% रिड्यूसिंग। आपको बताना है भाई जनरल एंट्री क्या बनेगी, बहुत आसान है, 8,000 पे आप लगा देंगे सर कितना परसेंट। अच्छा देखो मसला ये है कि हमें ये दी हुई है जनवरी 2018 की, और डेप्रिसिएशन 18 की नहीं मांग रहा, 19 की मांग रहा है, इस चीज का ख्याल रखना। तो सर पहला साल हम क्या करेंगे, पहले साल हम 8,000 पे 40% डायरेक्टली कॉस्ट पे लगा लेंगे, 8,4,000 कितना हो जाएगा, 32। तो बेटा अगले साल अगर आप देखो ये जो बच जाएगी वैल्यू, कितनी बच जाएगी, ये बच जाएगी हमारी 4,800। सही, 4,800, और अगले साल जो हम लगाएंगे 4,800 पे लगाएंगे 40%। सही, ये हो जाएगी हमारी 1920 आ जाएगी अगले साल की। सही है, तो क्या आंसर आएगा भाई, आंसर आएगा इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट कितने से, 1920। सही, तो बेटा याद रखो जब भी हम जनरल एंट्री बनाते हैं तो ऐसी बनेगी, चाहे स्ट्रेट लाइन हो, रिड्यूसिंग हो, रिवैल्यूएशन हो, कुछ भी हो, डेप्रिसिएशन जो है उसका, अच्छा हाँ रिवैल्यूएशन में ये एंट्री नहीं बनती, उसकी वजह ये रिवैल्यूएशन में हम डायरेक्टली नेट बुक वैल्यू को कम करते हैं, तो रिवैल्यूएशन में प्रोविजन का अकाउंट नहीं बनता। अगर रिवैल्यूएशन मेथड की वजह से एंट्री मांगता नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तो वो हम क्या करेंगे, नेट बुक वैल्यू अकाउंट को कम करेंगे, उसमें प्रोविजन को क्रेडिट नहीं करते, हम डायरेक्टली नेट बुक वैल्यू को क्रेडिट करते। सही जी, तो क्या एंट्री बनाई, इनकम स्टेटमेंट डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। अगर पहले साल की बनानी होती तो 3200 आ रही है एंट्री, और दूसरे साल की आ रही है 1920, रिड्यूसिंग बैलेंस। 17 के बाद बात कर रहे हैं 18 पे, एलिस इन वंडरलैंड, एलिस फाइनेंशियल ईयर एंड ऑन 31st December, द बैलेंसेस ऑन हर बुक्स ऑन 1st जनवरी 2020 इंक्लूड द फॉलोइंग, व्हाट डू दीज बैलेंसेस रिप्रेजेंट, व्हाट डू दीज बैलेंसेस रिप्रेजेंट, हमें बताना है क्या चीज है भाई। ये देखो अगर इनकम का अकाउंट है, कमीशन रिसीवेबल, अगर इनकम डेबिट आ रही है तो ये अक्रूड इनकम कहलाता है। अक्रूड इनकम का क्या मतलब सर, हमने किसी का कोई काम कर दिया, उसने अभी तक हमें पैसे नहीं दिए, सही, हमने किसी का रिश्ता करा दिया, हम रिश्ते वाली आंटी हैं, लेकिन हमें अभी तक $250 मिले नहीं है, तो ये कमीशन मिलने वाला है, ये हमारे लिए एसेट है, तो अक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट होता है। और अगर रेंट रिसीवेबल क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब ये प्रीपेड इनकम, प्रीपेड इनकम का क्या मतलब भाई, कि हमें जो है वो ज्यादा पैसे मिल गए, और वो जो हमारा टेनेंट है उसने जो है वो साल शुरू होते ही हमें रेंट दे दिया, और अब हमें पूरा साल उसको सर्विस प्रोवाइड करनी है, अगर हमने उसको जगह नहीं दी तो हमारे पैसे हमें उसको वापस देने पड़ेंगे, तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है। सही ना, उल्टा हिसाब किताब है, क्योंकि आपको पता है अगर एक्सपेंस अक्रूड हो तो वो लायबिलिटी होती है, लेकिन अगर इनकम अक्रूड हो तो वो एसेट होता है। ऐसे ही भाई अगर एक्सपेंस प्रीपेड हो तो वो एसेट होता है, लेकिन अगर इनकम प्रीपेड हो तो वो क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। सही है, तो कमीशन रिसीवेबल हमारा अक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, और रेंट रिसीवेबल हमारा क्या है सर, प्रीपेड है, तो बी आंसर बना, बी आंसर। सही, कमीशन रिसीवेबल हमारी आउटस्टैंडिंग इनकम है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है अक्रूड इनकम, और रेंट रिसीवेबल हमारा प्रीपेड इनकम।
सही है सर, कह रहा है एनुअल रेंटल इनकम ड्यू फ्रॉम कुमार अ टेनेंट इज 3600। कितने पैसे भाई हमारी एनुअल रेंटल इनकम है ड्यू कुमार से, क्या टेनेंट से हर साल हम टेनेंट से कितने पैसे ले रहे हैं किराया 3600। स्टार्ट ऑफ द ईयर कुमार एट प्रीपेड इनकम 900, एट द एंड ऑफ द ईयर हाउ मच रेंट वॉज रिसीव। यार देखो इसमें हमें बनाना है अप्पा अकाउंट, यार अप्पा अकाउंट रेंट रिसीव। अप्पा अकाउंट कैसे बनता है सर, अक्रूड प्रीपेड प्रीपेड और अप्रूव। जब पैसे आते हैं सर क्या एंट्री बनाते हैं, बैंक डेबिट और रेंट रिसीव क्रेडिट, और ईयर एंड पे सर जितना बैलेंस बच जाता है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, इनकम से। अब आप देखो यार इस सवाल में इसने हमें खुद बता दिया कि रेंटल इनकम पूरे साल की है कितनी, 3600। सही है ना, सही है, पूरे साल की इनकम से खुद बता रही है। स्टार्ट ऑफ द ईयर प्रीपेड रेंट कितना है भाई 900, तो प्रीपेड इनकम इधर आ जाएगी 900। एंड ऑफ द ईयर 2 months रेंट। अब सवाल ये आता है ये जो है ओड, ओड का मतलब है अक्रूड, 2 months का कैसे आएगा सर। अगर ये 3600 पूरे साल की इनकम है, अगर इसको डिवाइड बाय 12 करें तो 1 महीने की आ जाएगी 3 12 36, हाँ 300 पर मंथ आ गए, और 300 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो 600 आ जाएगी अक्रूड इनकम। अब क्या बैंक की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं भाई, इसने हमें ये बता दिया पूरे साल का रेंट इतना है, और ओपनिंग बता दिया, प्रीपेड अक्रूड क्लोजिंग बता दिया, हमें बताना है रेंट रिसीव कितना हुआ है। रिसीव का क्या मतलब होता है, रिसीव का मतलब यह है कि बैंक हमें निकालना। कैसे निकालेंगे भाई, 3600 में से दोनों माइनस कर दो तो ये बच जाएगा 2100। सही है, तो इस साल कितना रेंट रिसीव हुआ 2100। नॉर्मली ये बैंक हमें दे देता है और हमने क्या फाइंड करना होता है, नॉर्मली हमें बैंक दे देता है और हमें फाइंड करना होता है आपका कौन सी चीज भाई, हमें इनकम स्टेटमेंट फाइंड करनी होती है, या इनकम स्टेटमेंट इसने हमें दे दी और हमें बैंक फाइंड करना। अच्छा जी क्या कह रहा है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा है भाई ज्वेल्स इन्वेंट्री ऑन 31 दिसंबर 2019 वैल्यूड एट 4800, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात कर रहा है। कह रहा है इट वाज डिस्कवर्ड दैट दो मसले हैं इसमें, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द इनकरेक्ट इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड ज्वेल्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमें बताना है ये जो हमने गलत इन्वेंट्री वैल्यू की थी उससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब देखते भाई क्या इफेक्ट होगा। कह रहा है गुड जिसकी कॉस्ट जनरेट हैड नॉट बीन इंक्लूडेड। सही है, तो इसका मतलब ये है कि भाई हमने इन्वेंटरी को अपनी क्या कर दिया है, कम कर दिया है। सही है ना, गुड्स कॉस्ट हंड्रेड नॉट बी इंक्लूडेड, तो एक तो हमने इन्वेंटरी को अंडरस्टेट कर दिया, कितने से भाई 100 से, ये वाली जो इन्वेंटरी अंडरस्टेट हुई हुई है ये वाली इन्वेंटरी हमें इंक्लूड करनी चाहिए थी, हमने नहीं की। दूसरा कह रहा है गुड जिसकी कॉस्ट है 170 हैड बी इंक्लूडेड एट एनआरवी ऑफ 210। नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या होती है यार, अगर हम ये इन्वेंटरी बेचें तो बेचने का जो खर्चा है वो भी हम माइनस कर दें तो बेच बाच के जितने पैसे हाथ में आ सकते हैं वो उसकी कहलाती है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो अब देखो कॉस्ट है 170 और एनआरवी है 210, तो हमें इसको लोअर अमाउंट पे रखना चाहिए, हमने इसको रख दिया हायर अमाउंट। कितना ज्यादा रख दिया भाई, हमने 40 से इसको ओवर कर दिया। सही है, तो 40 से हमने बेसिकली इस इन्वेंट्री को ज्यादा लिखा है और इसको कम लिखा है। अगर हम ओवरऑल नेट करके देख लें तो एक को हमने 100 से अंडर किया, एक को 40 से ओवर किया, ओवरऑल अंडर है, अंडर ज्यादा है। 60 से हमने अपने इन्वेंट्री को क्या कर दिया, अंडरस्टेट कर दिया। ऐसे ही ना, 60 से इन्वेंट्री क्या हुई हुई है, अंडरस्टेट। इसका मतलब ये बेसिकली जो 4800 है ये कम है, ये 4860 होनी चाहिए, हमने 60 से कम रिकॉर्ड किया। कह रहे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इनकरेक्ट इन्वेंट्री, हमें सिर्फ ये बताना है 60 का हमने क्या किया। तो यार देखो जितनी हम क्लोजिंग इन्वेंट्री, आपको यार एक बात याद है, ओपनिंग एट परचेज लेस क्लोजिंग क्या आ जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल, ऐसा। और बेटा जितनी हम क्लोजिंग को कम करेंगे उतनी कॉस्ट ऑफ सेल हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जितनी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी उतना हमारा जीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जीपी कम होगा तो नेट प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो पहली बात हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाना चाहिए कितने से, 60 से। दूसरी बात हमारी इन्वेंटरी भी कम हो जानी चाहिए कितने से, 60 से। सही है, और इक्विटी यार देखो जब प्रॉफिट कम होगा तो हमारा कैपिटल भी कम हो जाएगा। इक्विटी क्या होता है, ओनर्स कैपिटल। तो डी आंसर आया। अरे बस हमने अपनी इन्वेंटरी को कम कर दिया, इन्वेंटरी को कम करने की वजह से हमारा प्रॉफिट भी कम हो गया, प्रॉफिट कम होने की वजह से हमारा कैपिटल भी क्या हो गया सर, कम। सही है, 21 पे बात, ओनर ऑफ द बिजनेस टू गुड्स फॉर ओन यूज बट फॉरगॉट टू मेक एन एंट्री। सही है, जब हम ओनर हैं और हम गुड्स फॉर ओन यूज ले, हमें क्या एंट्री बनानी होती है, हमें एंट्री बनानी होती है ड्रॉइंग डेबिट और परचेज क्रेडिट। ऐसा ही होता है, ड्रॉइंग डेबिट परचेज क्रेडिट। अब बात करते हैं व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ दिस एरर, हमें बताना है इस एरर की वजह से क्या हुआ। ड्रॉइंग को हम डेबिट करना भूल गए, परचेज को क्रेडिट करना भूल गए। तो एक तो हमें बताना है प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और एक हमें बताना है कैपिटल एम्प्लॉयड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये थोड़ी सी मुश्किल बात है भाई। देखो अगर आपको याद हो ओपनिंग
एड परचेज लेस क्लोजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल क्या आ जाता है जीपी, ऐसा। तो आपको पता है ये जो ड्रॉइंग होती है इससे हम परचेज को कम कर देते हैं, ऐसे ड्रॉइंग डेबिट परचेज, परचेज को हमने कम नहीं किया, इफेक्ट ऑफ एरर पूछ रहा है ना, परचेज को हमने कम नहीं किया तो हमारी मतलब परचेज हमने ज्यादा छोड़ दी, परचेज ज्यादा है उसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ने से हमारा प्रॉफिट कम हो गया, जीपी कम हो गया, जीपी कम होने से हमारा नेट प्रॉफिट भी कम हो गया। तो पहला तो अफेक्ट ये हो रहा है हमारा प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सही, नेट प्रॉफिट हमारा अंडरस्टेट हो रहा है। अब दूसरा इफेक्ट ये पूछना है हमें कि हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड या बेसिकली ओनर्स कैपिटल पे क्या इफेक्ट पड़े। अब ये जरा देखें मुश्किल बात, पहली बात आपको ऐसा लग रहा है कि अगर प्रॉफिट कम होगा तो हमारा कैपिटल भी तो कम हो जाना चाहिए, देखने में तो यही लग रहा है, अगर प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल भी कम होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखो कि पहला तो अफेक्ट हम ये देख रहे हैं इस परचेज की वजह से, परचेज कम होने से हमारा नेट प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, सही, अंडरस्टेट हो गया। दूसरी बात, हमने ड्रॉइंग भी तो रिकॉर्ड नहीं की, परचेज तो रिकॉर्ड नहीं की, कम नहीं की, ड्रॉइंग को भी तो नहीं बढ़ाया, ड्रॉइंग हमारे कैपिटल को क्या करती है सर, कम करती है, और ड्रॉइंग हमने रिकॉर्ड नहीं की तो हमारा कैपिटल बढ़ गया। तो सर एक तरफ कैपिटल हमारा कम हो गया प्रॉफिट ये परचेज के एडजस्टमेंट ना करने की वजह से, और दूसरी तरफ ड्रॉइंग को रिकॉर्ड ना करने की वजह से हमारा कैपिटल बढ़ भी गया। तो ये दोनों अगर आप देखें कैंसल आउट हो गया, तो आंसर होगा सी, प्रॉफिट अंडर हो गया। क्यों अंडर हो गया? क्योंकि हमने परचेज को रिकॉर्ड नहीं किया, परचेज को कम नहीं किया, और ड्रॉइंग ना रिकॉर्ड करने की वजह से सर हमारा जो कैपिटल है वो बढ़ गया। तो एक तरफ कैपिटल कम हो रहा है और एक तरफ कैपिटल बढ़ रहा है, दोनों का अगर आप देखो नेट इफेक्ट जीरो होगा। तो बस आप एक बात याद रख लो कि अगर हम गुड्स की ड्रॉइंग करते हैं तो उससे हमारा जो कैपिटल है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, सही है ना, गुड्स की ड्रॉइंग से हमारे कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हाँ अगर हम कैश ड्रॉइंग करेंगे तो उससे हमारा कैपिटल इफेक्ट होता है, सही, कैश ड्रॉइंग से, लेकिन गुड्स ड्रॉइंग से हमारा कैपिटल इफेक्ट नहीं होता क्योंकि प्रॉफिट पे भी इफेक्ट पड़ता है और ओनर्स कैपिटल, सही है। ये क्वेश्चन जो है ये भी रिपीट हुआ है रजीद एंड सुनील के नाम से, फॉर्मड अ पार्टनरशिप ऑन 1st जनवरी, डिड नॉट प्रिपेयर एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं बनाया हमने, सही है। एक और बात याद रखो, अगर पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट नहीं बनाया तो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी नहीं होगा, और सैलरी भी नहीं होगी, और प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा इक्वल होगा अगर वो नहीं बनाया, एग्रीमेंट नहीं बनाया। सिर्फ एक चीज होती है जब इंटरेस्ट ऑन हम वो नहीं करते, जब भी सवाल में एग्रीमेंट ना बना हुआ हो, जब भी पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट ना बनाए तो सिर्फ एक चीज होती है और वो क्या होती है सर, वो होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या होता है सर? इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या मतलब सर? अगर कोई पार्टनर अपने ही बिजनेस को लोन देता है तो उसको हमने इंटरेस्ट देना पड़ेगा, कितना उसको हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 5%। सिर्फ एक चीज होती है, बाकी कुछ नहीं होता, लेकिन इस सवाल में वो चक्कर नहीं है 5% वगैरह। यार देखो कैपिटल कितना लगा है, रजीत ने 40 लगा है, सुनील ने 20 लगा है, इसका मतलब रजीत का कैपिटल डबल है एज कम्पेयर टू सुनील, ऐसा। ड्रॉइंग कौन ज्यादा कर रहा है? रजीत ज्यादा कर रहा है, क्यों? क्योंकि रजीत ने कैपिटल ज्यादा लगाया तो चौड़े में चल रहा है, ड्रॉइंग भी ज्यादा कर रहा है, सुनील ड्रॉइंग कम कर रहा है। शेयर और वर्क काम दोनों इक्वल कर रहे हैं, बस उसने पैसा ज्यादा लगाया और ड्रॉइंग इसीलिए वो ज्यादा कर रहा है। अब वो कह रहा है एग्रीमेंट बनाना चाह रहा है, अभी तक एग्रीमेंट नहीं बनाया था, कह रहा है विच आइटम बी मोस्ट सुटेबल मोस्ट बेनिफिशियल टू रजीत, रजीत को किस चीज में फायदा हो। भाई रजीत को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में फायदा होना चाहिए, क्यों? जब उसने कैपिटल डबल लगाया, जब उसने कैपिटल डबल लगाया तो उसको इंटरेस्ट भी डबल मिलना चाहिए एज कम्पेयर टू सुनील, तो रजीत को फायदा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से रजीत को फायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान होगा, क्यों? क्योंकि जब रजीत ड्रॉइंग ज्यादा कर रहा है, जब इंटरेस्ट लगना शुरू होगा तो सुनील के ऊपर कम इंटरेस्ट चार्ज होगा लेकिन रजीत पे इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज होगा, और जितना भी इंटरेस्ट आएगा एंड में दोनों में इक्वली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल पार्टनर्स, सही है। अगर एनुअल ड्रॉइंग पे लिमिट लग गई तो भी रजीत को नुकसान होगा क्योंकि रजीत ज्यादा ड्रॉइंग कर रहा है, तो अगर लिमिट लग गई तो रजीत जो है उसकी हालत खराब होगी कि यार ये क्या, मैं ड्रॉइंग ही नहीं कर पा रहा, सही है। और सैलरी से किसी को कोई खास फायदा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल पार्टनर्स हैं, तो अगर सैलरी देंगे दोनों इक्वल काम कर रहे हैं, पहली बात है पार्टनर्स इक्वल नहीं, काम इक्वल कर रहे हैं, अगर भाई काम इक्वल कर रहे हैं तो दोनों को सैलरी भी सेम मिलनी चाहिए, अगर दोनों को सैलरी सेम मिले या दोनों को प्रॉफिट शेयरिंग सेम मिले, बात तो एक ही, तो पता ये चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रजीत को फायदा होगा, बाकी चीजों से रजीत को या तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा या तो रजीत को नुकसान। हैरी एंड जेन आर इन पार्टनरशिप, सही है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट टू हैरी फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस ऑन हैरीज करंट अकाउंट वाज 28,200, व्हाट वाज द क्लोजिंग बैलेंस ऑन हिज करंट अकाउंट, क्या कह रहे हैं, ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस जो है वो दिया हुआ 28,200,
हमें बताना है क्लोजिंग बैलेंस ऑन द करंट अकाउंट। सही, करंट अकाउंट बनाना है बेसिकली हमें। करंट अकाउंट बनाना बहुत आसान है, हैरी का बनाना। सबसे पहले क्या आ जाता है, बैलेंस बीडी आ जाता है। ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है सर 28,200, तो बैलेंस बीडी हम क्रेडिट पे लिख देते हैं कितना 28,200। क्या क्या आता है सर इसमें, आता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, और इसमें आता है सैलरी, और इसमें डेबिट साइड पे क्या आता है, ड्रॉइंग आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। सही है, दो पार्टनर है हैरी और जेन, ये डेटा दिया हुआ है। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट टू हैरी, हैरी की है ना, इसका मतलब हैरी की सैलरी कितनी है सर 8,000, हैरी की ड्रॉइंग कितनी है 2,800, और हैरी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 4,600। सही है, क्या आप इसको सॉल्व करके हम बैलेंस शीट ही निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते। कैसे निकालेंगे भाई, टोटल कर लें 28,200 और 4,600 और कितना आ रहा है 8,000, 40,800 आ रहा है। 4,800 में से 2,800 माइनस कर दें, 38,000 बचेगा। सही, 30, आसान है तो करंट अकाउंट बनाना। सही है जी, कह रहे थे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है एक्स लिमिटेड, अब कंपनी आ गई, कंपनी की बैलेंस शीट दी भी। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है 42,000, डिविडेंड कितना पे किया 10,000, व्हाट वाज द टोटल इक्विटी ऑन 31st। हमें ईयर एंड, ये पिछले साल का दिया हुआ 2018 का, हमें करंट ईयर का बनाना है 2000। इक्विटी में क्या क्या आता है सर, इक्विटी में एक तो शेयर कैपिटल आ जाएगा $40,000। सही है, एक जनरल जब आ जाएगा कितना 8,000, और डेबेंचर नहीं आता इक्विटी में, इसको छोड़ दे। सही है, अब आ जाते हैं रिटेन्ड अर्निंग पे। देखो पिछले साल रिटेन्ड अर्निंग पड़ी हुई है 65, ये 2018 की है। इस साल हम क्या करेंगे, जो हमने प्रॉफिट कमाया वो ऐड कर देंगे। प्रॉफिट कितना कमाया सर 42,000, ये रिटेन्ड अर्निंग में ऐड हो जाएगा। और अगर आप देखो डिविडेंड पे भी कर दिए 10,000, डिविडेंड पे करने से आपको पता सर रिटेन्ड अर्निंग क्या हो जाती है, कम हो जाती है ऐसा। तो 65 में हम क्या करेंगे, 42 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 107 में से 10 माइनस कर दें, ये बचेगा 97। इसका मतलब रिटेन्ड अर्निंग बढ़ जाएगी सर कितनी, 97। सही, अब इनको टोटल कर लेते हैं सर। देखिए 40,000 हमारे पास क्या है, ओनर्स कैपिटल है, 8,000 क्या है सर जनरल रिजर्व है, रिटेन्ड अर्निंग कितनी है हमारे पास 97, तीनों को ऐड कर दें तो 145,000 आ रहा है टोटल। टोटल इक्विटी का यहाँ पे नाम होता है सर टोटल शेयर होल्डर फंड्स, याद। इसके लिए हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं, और रिटेन्ड अर्निंग का जो कॉलम होता है उसमें हम सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखते हैं, ये सही, बैलेंस एट 1st जनवरी, फिर प्रॉफिट फॉर द ईयर हम ऐड कर देते हैं, और जो डिविडेंड पेड है वो माइनस कर। सही है, व्हाट इज द फीचर ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर क्या होता है सर, लोन होता है। अच्छा क्या कह रहे भाई, व्हाट इज द फीचर ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर क्या होता है सर, डिबेंचर होता है लोन, डिबेंचर क्या होता है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है। बात बिल्कुल सही है, डिबेंचर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है। चेक कर लो यार रिकॉर्डिंग में, डाउट होता है रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं होगा। अच्छा डेबेंचर क्या होता है सर, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है, बात सही है। और भाई डेबेंचर कैरी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, डेबेंचर पे फिक्स रेट तो होता है लेकिन डिविडेंड नहीं होता बल्कि इंटरेस्ट होता है। डेबेंचर में वोटिंग राइट नहीं होते, झूठ कह रहे हैं। ऑन लिक्विडेशन आर पेड बैक आफ्टर शेयर होल्डर, बात गलत है, सबसे पहले इनको देने पड़ते पैसे, तो ए आंसर सही है डेबेंचर के बारे में। विच कॉस्ट इज पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट इन अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, प्राइम कॉस्ट याद, सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, सारी डायरेक्ट कॉस्ट ऐड करें तो प्राइम कॉस्ट। अच्छा अब इसमें कैरेज इनवर्ड जो है ना यार, ये इसका प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। क्यों, आपको याद है जब मटेरियल कैलकुलेट करते हैं तो ओपनिंग आता है, ऐड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ऐड कैरेज इनवर्ड, लेस रिटर्न आउटवर्ड। सही, तो कैरेज इनवर्ड जो है डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट। तो कैरेज आउटवर्ड इधर नहीं आता मैन्युफैक्चरिंग में, वो आता है इनकम स्टेटमेंट, और जो रेंट होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड में आता है, वो प्राइम कॉस्ट के बाद आता है, और सुपरवाइजर भी फैक्ट्री ओवरहेड में आता है। तो जो चीज ट्रेस हो सकती है वो डायरेक्ट, कैरेज इनवर्ड बेसिकली ट्रेस हो सकता है, तो इसीलिए हम उसको मटेरियल में ऐड कर देते। जैसे 1,00,000 का मटेरियल है और 5,000 रुपए हमने ट्रांसपोर्टेशन पे किया, तो मटेरियल कितने का हो गया, अब 1,05,000 का। सही है जी, और कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, व्हाट वाज फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने का कह रहा है। इसमें एक तो प्राइम कॉस्ट आ जाता है बिल्कुल, एक फैक्ट्री ओवरहेड आ जाता है बिल्कुल, एक ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस ऐड हो जाता है, और क्लोजिंग क्या हो जाता है लेस हो जाता है। बहुत आसान है, 236 में 42 ऐड कर लें और इसमें से माइनस कर दें इसका डिफरेंस। देखिए 236 प्लस 42 प्लस 8 माइनस 6, 280,000 आ रहा है सर। ये आ रही है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट होता है इसका फाइनल आंसर ये होता है, फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट।
सही जी, इसमें कभी भी सेलिंग, मार्केटिंग, ऑफिस एडमिन चीजें नहीं आती। अ ट्रेडर प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट सेल। हमें क्रेडिट सेल फाइंड करनी है, कैसे? इसके लिए हम बनाएंगे SLCA बेटा, क्योंकि सारा डेटा जो दिया हुआ है वो SLCA का दिया हुआ है। यहाँ पे हम बना लेते हैं SLCA किसका अकाउंट होता है सर? डेटर का। बैलेंस BD आता है डेबिट पे, सॉरी बैलेंस BD आता है डेबिट पे, तो बैलेंस CD कहाँ पे आ जाएगा? क्रेडिट पे। जब हम सेल्स करेंगे तो उससे हमारा डेटर बढ़ जाएगा, सेल्स हमने फाइंड करनी, और जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे तो डेटर कम हो जाएगा, बैड डेट से भी डेटर कम हो जाता है और डिस्काउंट अलाउड से भी कम हो जाता है। सही है, तो ट्रेड रिसीवेबल एट स्टार्ट ऑफ द ईयर दिया हुआ है 5,000 और ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर दिया हुआ है 8,500। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, कैश या बैंक एक ही चीज है ये। सही, कैश रिसीव अच्छा जी, और क्या है सर? कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 34,700 ये कैश आ गया। ए रिकवरेबल डेट क्या हो गया? बैड डेट हो गया 200, डिस्काउंट अलाउड हो गया 185। सही जी, अब आसान है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं और इसमें से माइनस कर देते हैं 5,000। कितना आ रहा है सर? 34,700 प्लस 200 प्लस 185 प्लस 8,500 माइनस 5,000, तो ये आ गया सर हमारे पास 38585। देखो मिलते जुलते हैं, मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाए। सही है, ये हमेशा मीजान ही लाए, मीजान वनस्पति देखा वाला है। 38585, तो भाई डी आंसर है। कह रहे भाई गॉर्डन प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कह रहे व्हाट वाज परचेज, गॉर्डन टू गुड्स फॉर ओन यूज। सही, तो नेट परचेज निकालना पड़ेगा। बेसिकली हमें रेवेन्यू भी दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंटरी मार्कअप दिया हुआ है। रेवेन्यू क्या होता है सर? सेल्स होता है, सेल्स आ रहा है 90,000 और सेल्स में से माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। कैसे आता है सर? ओपनिंग एट परचेज लेस क्लोजिंग। सही, तो क्या आ जाता है हमारे पास? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा, तो यार अब देखो हमें मार्कअप दिया हुआ है, मार्कअप तो लगता है कॉस्ट ऑफ सेल पे, कॉस्ट ऑफ सेल तो हमें गिवन नहीं है क्योंकि परचेज गिवन नहीं है। तो सर हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि हम मार्कअप को कन्वर्ट करेंगे मार्जिन। कैसे करते हैं सर? मार्कअप अपॉन 100 प्लस मार्कअप 50 अपॉन 150 करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा। 1/3 क्या आ गया सर? मार्जिन आ गया। सेल्स पे हम लगाएंगे मार्जिन 90,000 का, सर अगर आप 1/3 लगा दें तो ये आ रहा है 30,000, आ रहा 90 का 1/3। तो यार अगर 90 की हम सेल करें इसमें से 30 हमारा प्रॉफिट है, तो बाकी 60 हमारी क्या होगी? बाकी होगी हमारी कॉस्ट ऑफ सेल। ऐसा 60,000 आ गई कॉस्ट ऑफ सेल। अब बेटा ओपनिंग इन्वेंट्री देख लो 8,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है 2,000। अब पहले तो नेट परचेज निकाल लो, फिर परचेज तक पहुंच लो। कैसे निकालेंगे सर? 60,000 से चलेंगे, जो क्लोजिंग माइनस हो रही है इसको प्लस कर दें 62, 62 में से 8 माइनस कर, देखें 60 प्लस 2 62 माइनस 8, तो 54 आ रही है बेसिकली हमारी नेट परचेज। कितनी आ रही है? 54। अब हमें नेट परचेज नहीं मांग रहा, वो हमसे परचेज मांग रहा है, तो हमने क्या करना है? ये जो नेट परचेज है इसमें से ड्रॉइंग ऑफ गुड्स ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, अगर इसमें हम एड बैक कर दें 7,000 तो बेसिकली परचेज होगी हमारी 61। अरे बात समझो, तो भाई इसका ऐसे फॉर्मेट बनेगा, ओपनिंग हम लिखेंगे, एक सेकंड रुक जाओ, ओपनिंग लिखेंगे 8,000, परचेज हम लिखेंगे कितनी 61 और लेस कर देंगे ड्रॉइंग ऑफ गुड्स, ड्रॉइंग कितनी होगी सर? ड्रॉइंग होगी 7,000 और क्लोजिंग माइनस करेंगे कितनी सर? क्लोजिंग 2,000। तो देखो अब यही आंसर आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सेल 60,000, सेल्स आ रही है 90 माइनस 60 कितना आ जाएगा? 30,000। सही है जी, तो याद रखो जब वो हमसे परचेज मांगे और ये हमें ये अलग से दे रहा है तो हम क्या करेंगे? इसको एड बैक करके हमें ये वाला अमाउंट बताना है परचेज, क्योंकि माल हमने खरीदा इतना है जिसमें से इतना हम घर ले गए। सही, तो हमें बताना है हमने खरीदा कितना है। भाई मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको डाउट है कि ये परचेज में ड्रॉइंग एडजस्ट हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ, आपको ये तो बताया ना कि हमने इतनी ड्रॉइंग ऑफ गुड्स की है, तो फिर ये जो आपने इक्वेशन बनाई ना इसमें ड्रॉइंग ऑफ गुड्स भी लिखो। अगर आप यहाँ ड्रॉइंग ऑफ गुड्स भी लिख दो फिर आप रिवर्स वर्किंग करोगे, तो ये जो ड्रॉइंग माइनस हो रही है इसको भी प्लस करना पड़ेगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो माइनस होती है इसको भी प्लस करना पड़ेगा और ओपनिंग जो प्लस होती है इसको माइनस करना पड़ेगा। अगर आप चलेंगे तो आप डायरेक्टली हमारे पास परचेज आ जाएगा 61। तो ये वाला तरीका ज्यादा लॉजिकल। आखिरी सवाल है भाई सभी लोग, सही सभी लगा लो भाई मोहरम में, कह रहे सभी लोग लिक्विड एसेट एसेट टेस्ट रेशियो वॉज हायर ऑन 1st January देन इट वॉज ऑन 31st December। एक ही दिन में बढ़ गया, देखिए जरा। वो कह रहे हैं क्विक रेशो, क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या होता है सर? क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन करंट लायबिलिटी, ये होता है क्विक रेशो। तो क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी,
तो कह रहे भाई फर्स्ट जनवरी में क्विक रेशियो ज्यादा था एज कम्पेयर टू पिछले साल दिसंबर 31 में कम था और अब ज्यादा हो गया, क्या चीज हो सकती है? भाई क्विक रेशियो कब बढ़ेगा? या तो हमारे क्विक या तो क्विक एसेट बढ़ जाए या हमारी करंट लाइबिलिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो देखो बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो गया, हो सकता है अगर बैंक ओवरड्राफ्ट कम हो जाएगा तो हमारा जो है वो क्विक रेशियो बढ़ सकता है बिल्कुल। अगर इन्वेंट्री डिक्रीज हो जाए, इन्वेंट्री डिक्रीज हो जाए, अगर इन्वेंट्री कम होगी तो हमारी नहीं, इन्वेंट्री अगर ज्यादा होगी तो क्विक रेशियो, हाँ इन्वेंट्री से भी हो सकता है, इन्वेंट्री अगर कम हो गई, जैसे जितनी इन्वेंट्री कम होगी उतने हमारे क्विक एसेट ज्यादा होंगे। अदर पेबल डिक्रीज और ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज, अदर पेबल कम हो गए और ट्रेड रिसीवेबल कम हो गए, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, एक बार दोबारा सुन लेते हैं। डी होगा ना, आप कह रहे हैं डी होगा, अच्छा जी, तो भाई एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेते हैं। वो कह रहा है भाई हमारा जो क्विक रेशियो है वो हायर था ऑन फर्स्ट जनवरी देन इट वाज ऑन दिसंबर, इसका मतलब शुरू में ज्यादा था और एंड में कम हो गया। अरे बात सुन, शुरू में हमारा क्विक रेशियो ज्यादा था साल के शुरू में और एंड में कम हो गया। अब हमें बताना है क्या चीज ऐसी है जो हमारे क्विक रेशियो को कम कर रही है। अगर हम पहले का देखें तो ओवरड्राफ्ट कम हो गया, ओवरड्राफ्ट तो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम होने से तो क्विक रेशियो बढ़ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता, सही है ना? लाइबिलिटी कम होने से तो क्विक रेशो बढ़ जाएगा। आप इन्वेंट्री कम हो गई, इन्वेंट्री जितनी कम होगी उससे भी क्विक रेशो बढ़ेगा, हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे क्विक रेशो हमारा गिर जाए, वो रीजन बताना। अदर पेबल कम हो जाए, लाइबिलिटी कम होने से अगेन यही होगा, अदर पेबल हो या बैंक ओवरड्राफ्ट हो दोनों लाइबिलिटी है ना। और आखिरी वाला है कि रिसीवेबल कम हो रहा है, रिसीवेबल अगर हमारे कम हो जाएंगे तो हमारा क्विक रेशो कम हो जाएगा, तो डी आंसर सही है जी। 31 भी देख ले भाई, 31 में क्या कह रहा है, कह रहा है भाई द फॉलोइंग रेशियोज हैव बीन कैलकुलेटेड फॉर अ ईयर, अगर आप देखो ईयर 1 है ईयर 2 है रेशियोज दिए हैं, व्हाट एक्सप्लेन दीस चेंजेस, हमें बताना है चेंजेस क्यों आए। यार अगर आप देखो एनपी मार्जिन नेट प्रॉफिट मार्जिन 15 से हो गया 20%, इसका मतलब 5% से एनपी मार्जिन बढ़ गया और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9 से क्या हो गया 6% हो गया, आरओसीई कम हो रहा है कितने से हमारा 3%। यार देखो ROCE का फॉर्मूला क्या होता है, ROCE का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय 100, सही है। तो एनपी अगर आप देखो प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है, सही है, तो हमारा जो है प्रॉफिट बढ़ने से तो ROCE बढ़ना चाहिए, लेकिन ROCE हमारा कम हो रहा है। ROCE क्यों कम हो रहा है, रीजन ये है कि हमारा या तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ रहा हो, सीधी सी बात है, अगर प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम नहीं होना चाहिए, वो भी बढ़ना चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ने की सिर्फ एक वजह हो सकती है, हमने बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट की। अब बात करते हैं ड्रॉइंग्स हैव इंक्रीज बाय मोर देन प्रॉफिट, क्या कह रहा है भाई, जितना प्रॉफिट बढ़ा है उससे ज्यादा ड्रॉइंग बढ़ी है, हो सकता है भाई। देखो ना जब ड्रॉइंग हमारी बढ़ जाएगी प्रॉफिट से ज्यादा तो हमारा कैपिटल कम हो जाएगा, अगर कैपिटल कम हो जाएगा नहीं कैपिटल अगर कम होगा तो हमारा ROCE क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, हमारा ROCE कम हो रहा है तो ए नहीं हो सकता भाई। देखो ना सीधी सी बात है, अगर मैंने कमाया 1 लाख और मैं घर ले गया 1.5 लाख, इसका मतलब मेरा कैपिटल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही। अगर मैंने 1 लाख कमाया, 1 लाख ही घर लेकर जाता हूँ, इसका मतलब मेरे कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं ड्रॉइंग ज्यादा कर रहा हूँ जितना कमा रहा हूँ तो मेरा कैपिटल कम होगा, कैपिटल कम होने से जो है वो मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ना चाहिए, लेकिन मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो रहा है। GP has increased but profit for the year has decreased. ये झूठ कह रहा है। सही, प्रॉफिट अगर डिक्रीज हो रहा होता तो ये एनपी मार्जिन क्यों बढ़ रहा है, ये भी बात गलत है। प्रॉफिट फॉर द ईयर हैज इंक्रीज एंड कैपिटल हैज बीन इंट्रोड्यूस, हाँ ये बात हो सकती है कि भाई प्रॉफिट हमारा बढ़ रहा है लेकिन आपने कैपिटल ज्यादा डाला है जिसकी वजह से हमारा कम हो रहा है, ये हो सकता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर हैज इंक्रीज एंड लॉन्ग टर्म लोन हैज बीन, भाई जब लोन रीपे कर दोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो जाएगा ना, कैपिटल एम्प्लॉयड जब कम हो जाएगा तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो बढ़ना चाहिए, हमारा तो रिटर्न ऑन कैपिटल कम हो रहा है। भाई देखो ना ऐसे सोचो कि ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या मतलब है कि आपको जो आपने पैसा लगाया उसके ऊपर रिटर्न पहले से क्या मिल रहा है, कम मिल रहा है। अब रिटर्न कम मिलने की दो वजह, या तो वाकई में प्रॉफिट कम हुआ है, सही है, यहाँ तो प्रॉफिट बढ़ रहा है हमारा, तो हम ये नहीं कह सकते यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ है, यहाँ पे एक ही रीजन हो सकता है और वो ये है कि हमारा कैपिटल हमने ज्यादा इन्वेस्ट किया, सही है, चाहे हमने लोन लिया हो चाहे घर से पैसा लाया ओनर, तो हमारा कैपिटल लाया है बिजनेस में, तो सी आंसर है। कह रहे विच एक्सटर्नल पार्टीज वुड बी इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग रेशियोज ऑफ अ बिजनेस,
बिजनेस के रेशियोज में कौन बाहर वाली पार्टी इंटरेस्टेड हो सकती है? अकाउंटिंग रेशियोज ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट है, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर तो एक्सटर्नल पार्टी में नहीं आता, सही है ना, इन्वेस्टर नहीं आता, और मैनेजर भी इंटरनल पार्टी होती है। टैक्स अथॉरिटी इंटरेस्टेड हो सकती है हमारे रेशियोज में, सही है ना, टैक्स अथॉरिटीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो सकती है, वो ये देख सकती है कि भाई आप जो है वो कोई आगे पीछे तो नहीं कर रहे, और गवर्नमेंट भी हो सकती है। आप कौन सी इसमें आनी चाहिए, एक्सटर्नल पार्टी, विच इंटरेस्टेड एक्सटर्नल पार्टी वुड बी इंटरेस्टेड इन द अकाउंटिंग रेशियोज ऑफ द बिजनेस? एग्री यार रेशो में तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ज्यादा इंटरेस्टेड होनी चाहिए एज कम्पेयर टू टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटी रेशो वगैरह नहीं देखती, वो बेसिकली प्रॉफिट आपका देखती है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं यार इसका। तो अब देखें आंसर जो है आप कह रहे हैं मार्क्स स्कीम में जो है वो बी आ रहा है। अब इसकी लॉजिक ये हो सकती है कि जैसे भाई देखें एक होता है शेयर होल्डर, सही है, शेयर होल्डर जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो हम अज्यूम कर रहे हैं शेयर होल्डर अलग है और इन्वेस्टर अलग है। शेयर होल्डर जो है वो तो होते हैं इंटरनल, सही है ना, वो तो इंटरनल या कनेक्टेड के अंदर आते हैं शेयर होल्डर्स। इन्वेस्टर समझ लो ये बाहर वाले हैं। इन्वेस्टर कौन है भाई, ये बाहर वाले इन्वेस्टर ही हो सकते हैं आपके डेबेंचर होल्डर्स हो गए, सही है ना, ये इन्वेस्टर हो गए डेबेंचर होल्डर्स। एक सेकंड होल्ड कर, हाँ तो ये जो इन्वेस्टर है ये हम अज्यूम कर रहे हैं कौन है भाई, ये इन्वेस्टर, ये बाहर वाले हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि भाई आप कंपनी आपकी टाइम पे इंटरेस्ट दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, कंपनी बैंकरप्ट तो नहीं हो जाएगी, सही है, कंपनी की जो है वो फाइनेंशियल पोजिशन कितनी स्टेबल है। तो इसीलिए वो कह रहा है कि शेयर होल्डर्स जो है वो तो इंटरनल है, इन्वेस्टर्स जो है वो डिवेंचर होल्डर हो गए या बैंक हो गए, ये लोग इंटरेस्टेड होंगे ज्यादा आपके रेशो। बाकी गवर्नमेंट और टैक्स अथॉरिटीज इतना इनके पास टाइम नहीं है रेशोस चेक करें। हाँ वो ये देखेगी कि आपने प्रॉफिट में कोई हेरा फेरी तो नहीं की, और प्रॉफिट उतना ही आ रहा है जितना आप शो कर रहे हैं ताकि वो अपनी टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट कर सके। तो रेशोज वो नहीं देखते, बाकी रेशोज ये लोग देखते हैं इन्वेस्टर्स, कह रहे हैं आरओआई वगैरह, कह रहे हैं एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल कंपनी डिड नॉट अकाउंट फॉर द अनयूज स्टेशनरी वैल्यूड एट 50। वो कह रहा है वो जो प्रीपेड स्टेशनरी थी उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया, तो मैचिंग कॉन्सेप्ट जो है डिड नॉट अकाउंट द अनयूज स्टेशनरी वैल्यू, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिड द कंपनी अप्लाई। अच्छा कौन सा अप्लाई किया है, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल कंपनी डिड नॉट अकाउंट फॉर द अनयूज स्टेशनरी वैल्यूड एट 50। तो इसको तो अकाउंट करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया इन्होंने? हाँ तो इन्होंने या तो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई किया होगा। मटीरियलिटी, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है भाई, कि अगर बहुत छोटा मोटा एसेट है ना तो उसको एसेट बनाने की जरूरत नहीं है बल्कि उसको एक्सपेंस बना दो, सही है। तो यहाँ पे मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, वो उन्होंने बोला 50 रुपए के लिए क्या एंट्रिया वेंट्रिया बनाए, छोड़ो उसको एक्सपेंस में डाल दो। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से $50 बहुत ही छोटा अमाउंट है, इसीलिए उन्होंने इसको एक्सपेंस आउट कर दिया। अ ट्रेडर रोट ऑफ द बैलेंस ऑन द क्रेडिट कस्टमर्स अकाउंट एज इररिकवरेबल। इररिकवरेबल क्या होता है, बैड डेट, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल वॉज अप्लाइड। क्या कह रहा है, अ ट्रेडर रोट ऑफ द बैलेंस ऑन द कस्टमर्स अकाउंट एज बैड डेट, सही है, बैड डेट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो है वो प्रूडेंस अप्लाई होता है बैड डेट पे, सही है ना, प्रूडेंस, बिल्कुल प्रूडेंस यही कहता है ना कि अपने एसेट और प्रॉफिट को जानबूझ के ओवरस्टेट ना करो, तो ये प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया 34। और आखिरी क्वेश्चन है सर, देखें क्या कह रहा है, कह रहा है 35 पे, कह रहा है अ कंपनी लिमिटेड कंपनी अप्लाइड द अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपेरेबिलिटी इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपेरेबिलिटी की बात कर रहा है अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ दिस ऑन द इंटरेस्टेड पार्टीज। अब इसके कुछ वो है, इसके ऊपर एक लेसन भी अवेलेबल है मेरे पास, वो है कंपेरेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी और रिलायबिलिटी। इसमें जो है वो चार चीजें हैं बेसिकली, ये चार ऑब्जेक्टिव्स हैं जो अकाउंट्स में होने चाहिए। तो वो कह रहा है कंपेरेबिलिटी का क्या मतलब है, तो पहले में बात करते हैं सर, पहले में कह रहा है कि एक सेकंड में हाईलाइट ले लूं, पहले में कह रहा है दे कैन बी श्योर दैट इंफॉर्मेशन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप टू डेट। तो ये बेसिकली आपका रिलायबिलिटी है इसमें ऑब्जेक्टिव। रिलायबिलिटी क्या कहता है भाई, कि जो आपने अकाउंट्स बनाए वो सही है, रिलायबल है, उनमें कोई एरर नहीं है, उसमें कोई टोटलिंग एरर नहीं है, इंफॉर्मेशन सही है, ये रिलायबिलिटी ऑब्जेक्टिव। कह रहा है दे कैन आइडेंटिफाई सिमिलैरिटीज विद अदर बिजनेस। जब हमें अदर बिजनेस के साथ कंपेयर करना है तो ये कहलाएगा आपका कंपेरेबिलिटी, सही है। तो सेकंड वाला जो होगा कंपेरेबिलिटी होगा, ये आंसर होगा। और जो है वो क्या कह रहा है, दे कैन अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजिली, ये अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडेबिलिटी। और आखिरी ये, दे कैन यूज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ये भी रिलायबिलिटी, कि इसके ऊपर रिलाय किया जा सकता है।
सही है। तो बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंट्स के, कि जब भी आप अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंट्स में चार जो है वो खसूसियात होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए, और एक और ऑब्जेक्टिव अभी जहन में नहीं आ रहा। तो ये चार ऑब्जेक्टिव होने चाहिए अकाउंट्स। सही है जी।